भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने एक बार फिर इतिहास रचा है। सोलन मिशन के तहत इसरो की ओर से भेजे गए आदित्य L1 के आज शाम करीब 4 बजे के आसपास अपने गंतव्य स्थान L1 पॉइंट पर यह पहुंच गया। पूरी खबर रिपोर्ट के जरिए। भारत ने स्पेस सेक्टर में आज एक और बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद आज भारत का पहला सोलर मिशन आदित्य L1 शाम 4 बजे के करीब अपने लक्ष्य पर पहुंच गया। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने इसे कमांड देकर L1 पॉइंट की हेलो ऑर्बिट पर पहुंचा दिया। यान को पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर सूर्य पृथ्वी प्रणाली के L1 के आसपास एक प्रभामंडल कक्षा में स्थापित किया गया है। इस तरह 2 सितंबर को आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा से सूर्य की ओर शुरू हुई 15 लाख किलोमीटर की यह यात्रा अपने मुकाम पर पहुंच गई है। इट्स अ कॉम्प्लेक्स मिशन, आई वोंट से चैलेंजिंग मिशन। सो चैलेंजेस इज समथिंग व्हिच वी लव, सो कॉम्प्लेक्सिटी इज समथिंग दैट वी हैव टू ओवरकम। सो टुडे वी हैव ओवरकम द कॉम्प्लेक्सिटी एंड वी वर एबल टू अचीव दैट वेरी प्रिसाइसली। सो दैट्स अ नेट रिजल्ट ऑफ टुडेस एफर्ट। Payloads are working very well. As I understand, they have been switched on for short periods of time to test whether it is working well. But now many more things are to be done on payload to make sure the data is very reliable, usable. So that will start from now. Now it has the final place. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बड़ी कामयाबी के लिए देश को बधाई दी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा, भारत ने एक और उपलब्धि हासिल की। भारत की पहली सौर वेधशाला आदित्य L1 अपने गंतव्य तक पहुंची। यह सबसे जटिल और पेचीदा अंतरिक्ष अभियानों को साकार करने में हमारे वैज्ञानिकों के अथक समर्पण का प्रमाण है। हम मानवता के लाभ के लिए विज्ञान की नई सीमाओं को आगे बढ़ाना जारी रखेंगे। उधर केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी कहा, भारत के लिए यह साल शानदार रहा। प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में टीम इसरो द्वारा लिखी गई एक और सफलता की कहानी। सूर्य पृथ्वी कनेक्शन के रहस्यों की खोज के लिए आदित्य L1 अपनी अंतिम कक्षा में पहुंच गया है। As you would have seen in my tweet, which I posted immediately after the success of Aditya having reached the L1 point, and I think that could reflect the sentiment of each and every Indian when I said that it's a strange and a glorious journey from moonwalk to sundance, in the sense that it is part of the trilogy of success stories registered by Team ISRO one after the other. सूरज अपनी धरती के सबसे नजदीक का तारा है, इससे बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है, सौर लपटें भी उड़ती रहती हैं। इन लपटों की दिशा अगर धरती की तरफ हो जाए तो स्पेस क्राफ्ट, सैटेलाइट और कम्युनिकेशन सिस्टम खराब हो सकते हैं। ऐसी सौर घटनाओं की आदित्य L1 समय रहते सूचना देगा, जिससे नुकसान को कम किया जा सकता है। नेशनल डेस्क रिपोर्ट, टोटल न्यूज।